गुरु कृपा परिवार द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसके तहत 16 जुलाई को मेडिकल कॉलेज रोड स्थित शक्ति भवन में गुरु शिष्य परंपरा को अनुसरण करते हुए गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पौधरोपण एवं समाज के जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के लिए पाठ्य सामग्री का वितरण तथा दृष्टिबाधित विद्यालयों के बच्चों को वस्त्र एवं जागरूक जरूरत की सामग्री वितरित की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गुरु कृपा परिवार के महासचिव साध्वी दिव्या मां ने बताया। मेरा नाम साध्वी दिव्या मां, अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस प्रकार मूर्तिकार के बिना मूर्ति का कोई अस्तित्व नहीं, चित्रकार के बिना चित्र का सजीव होना, या फिर कवि के अभाव में कविता का अर्थ को पाना, जैसे यह सब असंभव है, उसी प्रकार जीव मन की पूर्णतः गुरु के बिना असंभव है। इसका प्रारंभ भी गुरु से है और अंत भी गुरु से है। इसी को हम सभी इसी के उद्देश्य को लेते हुए गुरु पूर्णिमा का यह आयोजन हम सभी बड़े अच्छे स्तर पर करते हैं। सबसे पहले नवीन गुरु दीक्षा संस्कार होता है, तत्पश्चात पौधारोपण का कार्यक्रम होता है, दृष्टिबाधित विद्यालय से आए बच्चों को वस्त्र देकर ज़रूरत की सामग्री वितरण करते हैं हम सभी, उसके प्रकार भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते हैं और बड़े अच्छे स्तर पर महाप्रसाद का भी आयोजन होता है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्रद्धेय पंडित नंदू मिश्रा जी हमेशा से ही यही कहा करते हैं कि भारत विश्व का हृदय है और इस हृदय की धड़कन हमेशा से ही गुरु शिष्य परंपरा रही है, और इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए हम सभी गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन करते हैं। और यह आयोजन तो विगत कई वर्षों से, लगभग 30-35 वर्षों से होता आ रहा है, परंतु विगत 4-5 सालों से हम सभी ने कुछ अच्छा करने की कोशिश की है और हम अपने परम पूज्य गुरुदेव के नवीन आवास शिव शक्ति भवन मुगलहा मेडिकल कॉलेज रोड में यह आयोजन होता है। प्रातः 8 बजे से होता है, 2 बजे तक चलता है। उसमें लगभग देश ही नहीं विदेशों से भी भक्त श्रद्धालु शामिल होते हैं और लगभग सैकड़ों की संख्या में वहाँ पे लोग उपस्थित होते हैं गुरु पूजन करने के लिए। और कार्यक्रम में आपका ये सबसे पहले पौधारोपण होता है, भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए नृत्य गायन, विभिन्न प्रकार के नृत्य और गायन होते हैं, और दृष्टिबाधित विद्यालय के बच्चों को बुलाकर हम सभी सम्मान देते हैं और ज़रूरत की सामग्री वितरण करते हैं, वस्त्र देते हैं सभी देकर, और महाप्रसाद का भव्य आयोजन होता है शिव शक्ति भवन मुगलहा में।